तमाम नोटों की गड्डियों से भरी अलमारियां और करोड़ों के जेवरात से भरा घर और नोटों की गड्डियां इतनी कि कैश काउंटिंग मशीन भी थक कर जवाब दे जाए। कुछ ये नजारा था झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के घर का, जो कि फिलहाल हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है, जिनके घर से करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई है। दरअसल आयकर विभाग ने तीन राज्यों में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की और लगभग 200 करोड़ से भी ज्यादा रुपए बरामद किए हैं। तो वहीं इस घटना के बाद से राजनीतिक गलियारों में भी गहमा गहमी का माहौल शुरू हो गया है और लगातार अन्य पार्टियां भी कांग्रेस पर हमलावर हैं। सांसद धीरज कुमार साहू के ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। तो वहीं तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर ट्वीट किया कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुनें। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद को घेरते हुए कांग्रेस पार्टी और पूरे गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस का करप्शन और कैश से संबंध ही बता डाला। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को यह बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। जैसे कि मैंने कहा, मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का जो कारोबार चल रहा है, ये कौन है जिसका एटीएम बनकर कांग्रेस का ये नेता उभरा है? झारखंड में कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी के यहां 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद मिले और गिनती जारी है। गिनती वाली मशीनें कम पड़ गई, गर्म हो गई, गिनने वाले अधिकारी थक गए, 3 दिन हो गए, बैग कम पड़ गए, बोरियां भी कम पड़ गई, लेकिन कांग्रेस की काली कमाई की गिनती जारी, अभी भी जारी है। कांग्रेस, करप्शन, कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं। गौरतलब है कि तीसरे दिन की आयकर छापेमारी में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवासों की भी तलाशी ली गई। तो वहीं झारखंड और ओडिशा के इन ठिकानों से 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की नकदी बरामद की गई है। छापेमारी के दौरान कैश को देखकर इनकम टैक्स अधिकारी भी हैरान रह गए। सांसद के ठिकानों से इतना कैश मिला कि उसे गिनने के लिए मशीनें भी कम पड़ गईं और उसे ले जाने के लिए ट्रक तक मंगाना पड़ा। बहरहाल इतने ज्यादा मात्रा में कैश पाया जाना पार्टी और सांसद के आय स्रोत पर बड़े सवाल खड़े करता है। तो अब देखना ये होगा कि इस बड़ी कार्रवाई और भाजपा के तमाम लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस की ओर से क्या रिएक्शन सामने आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी और इस पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दें और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।